तो है एवरीवन, आज फिर मेरा एक और शूट है एंड मैं आ चुकी हूँ रिंकू गुलिया मेकअप स्टूडियो जहाँ से मैंने नेल्स कराए थे। सो गाइज, यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया था और ये मेरा सेकंड गाउन है। फर्स्ट पार्ट में आपने जो देखा होगा वो पहला वाला गाउन था। एंड गाउन मैंने कहाँ से बनवाया था उसकी भी डिटेल्स यूट्यूब पे है, टिमी ट्रेंड्स बुटीक, मैंने वीडियो डाल रखी है सोनीपत, मैंने वहाँ से बनवाया था। दोनों ही गाउन मैंने वहाँ से बनवाए हैं। अभी मेरा हेयर स्टाइल स्टार्ट हो गया है और मुझे हेयर स्टाइल में साइड बन चाहिए था मेसी सा एंड रोजेस के साथ। सो अच्छा हेयर स्टाइल करने लग रही थी ये। इनका नाम तो था गुनीशा। इनकी मैं, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके देखोगे तो मैंने कोलैब में इनकी भी आईडी डाल रखी है, हेयर स्टाइलिस्ट की भी। तो पूरा बनने के बाद आप देखना हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है। सो गाउन में मेरा इंग्लिश कलर में था तो मेरे को आज वो क्रिश्चियन ब्राइड होती उस टाइप में हल्का हल्का लुक चाहिए था, क्योंकि पहले वाले में मेरे ओपन हेयर हो चुके थे तो इसलिए मैं इस बार बन बनवा रही हूँ। सो गाइज, इस गाउन में भी अच्छे अच्छे रील्स देखने के लिए, फ़ोटोज़ देखने के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वर्षा नसियर और उस पर मैं पोस्ट डालूँगी जो ओरिजिनल हम शूट कराएंगे वो वाली। तो गाइज, यहाँ पे मेरा मेकअप हो चुका है, कुछ चीज़ें रहती है बस। तो रिंकू बालों में फुल लगाने लग गई और ये मेरा फाइनल लुक है। मैंने पर्ल ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया है क्योंकि मेरे पास एडी में भी नेकलेस थे, डायमंड भी था, बट वो शाइन वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लास्ट में हम पर्ल पे ही गए। तो ये मेरा फाइनल मेकअप है, कैसा है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड फुल लुक के लिए मैं बाद में फ़ोटोज़ की अलग से वीडियोस बना के डालूँगी, सारे फ़ोटोज़ जो आएंगे। अभी फ़िलहाल यही शूट कर रखा है, फुल जो लुक है वो लोकेशन पे आपको व्लॉग में दिख जाएगा। लास्ट तक व्लॉग को ज़रूर देखना। सो गाइज, मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डिफरेंट है। कितनी मिनिमल सी ज्वेलरी है एंड मुझे हेयर स्टाइल प्लस आई मेकअप, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैडम थक चुकी है और थक के चाय पी रही है, मेरी मेकअप आर्टिस्ट। अभी मैं स्पेशली आपको मिलवाती हूँ और आपको कैसा लगा मेकअप जरूर बताना। और शादी का सीजन आया हुआ है तो आप भी अपने बुकिंग जल्दी जल्दी डाल दो, बहुत बिजी रहती है। आज का टाइम निकाला मेरे लिए, वरना मना ही कर दिया था कि अब नहीं हो पाएगा, आज आ वरना कभी मत आयू बोली, क्योंकि बुकिंग इतनी है। तो इसलिए आप अपना स्लॉट भी जल्दी जल्दी बुक करें। इतना इतनी प्यारा मेकअप जो किया है रिंकू ने, रिंकू जल्दी आओ चाय पी लो गाइस। पहले तो मैं थक चुकी हूँ सच में, और सुबह चाय पी के ही लगी थी बिकॉज इसके बाद भी मेरी बुकिंग है। कैसा लग रहा है मेकअप पहले ये बताओ? मेरे लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। तेरे लिए ना निकालू, इतना सुंदर मेकअप किया है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। बाकी फोटोज वोटोज की अलग से मैं डालूं। ये मेकअप इसके लिए नहीं किया है मैंने गाइस, सबसे पहली बात तो ये मेकअप किया मैंने इसके लिए, चुन्नू मुन्नू के लिए, ठीक है, उसके लिए ये मेकअप हुआ है, तेरे लिए नहीं किया है ये मेकअप। सारी बताया तुमने इसको मेकअप, और इंस्टाग्राम की आईडी मैं मेंशन कर दूंगी रिंकू की, मैंने पहले मैंने मेंशन कर दिया था इनका इंस्टा अकाउंट, लेकिन अभी भी कर दूंगी मैं स्क्रीन पे जो दिखेगा, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कमेंट में ये भी बताना कि नेल एक्सटेंशन भी कौन से हाथ के ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, है ना। आज की मैं अपनी वो बताऊं डिटेल, मेरे नेल्स बाय रिंकू एंड मेरी मेहंदी कैसी लगी, मेहंदी भी मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको मेहंदी भी लगवानी होगी तो वो अकाउंट भी मैं मेंशन कर दूंगी। एंड मेहंदी बहुत अच्छी लगाई है, सच में अच्छी लगाई है। कमिंग जो ब्राइड आ रही है ना, मतलब उनके लिए तो ये ना बेस्ट है यार, बहुत अच्छी है। और जो हमारी जो अभी व्लॉग शूट कर रही है ना, वही है मेहंदी आर्टिस्ट भी। और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो मार्केट में रेट है ना उससे कम है यार, बहुत कम है। और जैसे आप बोलोगे ना वैसे ही मेहंदी लग जाएगी, आप देखो खुद ही देख सकते हो आप, फिनिशिंग भी कितनी है। और आज के टाइम पे मार्केट में इतनी फिनिशिंग बहुत रेयर देते हैं, सच में। और जो देते हैं ना वो बहुत हाई चार्ज करते हैं। तो गाइज, ये देखिए बेबी शावर के लिए कितनी परफेक्ट मेहंदी लगाई है, एक पे बेबी एंड एक पे कपल कमिंग सून मॉम टू बी, कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है। सो गाइज, मैं तैयार हो चुकी हूँ, आपको पता ही चल गया, सैलून पे मैंने सब कुछ दिखा दिया था आपको। अभी हम निकले हैं फोटोज के लिए एंड रवि कुछ काम गए हुए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं फोटोज के लिए लोकेशन पे।
तो गाइस लोकेशन पे आ चुके हैं। पहले वाले पार्ट में मैंने आपको लोकेशन दिखा दी है, ये वही लोकेशन है। तो ये है मेरा कंप्लीट लुक। ये जो दुपट्टा है ये टेल गाउन वाली फीलिंग दे रखे इसने मुझे, तो अच्छे से क्लोजअप की पिक्स है जो मैं वो अलग से वीडियो बना के डाल दूँगी। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you.